अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने बने भोजनालय में लगी भीषण आग। सिलेंडर में गैस के रिसाव से आग ने लिया विकराल रूप। दो गैस सिलेंडर्स में हुआ ब्लास्ट, मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने स्टेशन रोड का ट्रैफिक किया डायवर्ट। मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लगभग 4 दुकानें और बाइक जलकर हुई राख। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने रविवार सुबह भोजनालय की रसोई में सिलेंडर में लगी आग कुछ ही मिनटों बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ सिलेंडर फटा तो आसपास की 3 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। हादसा रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे का है। इस दौरान इलाके में ट्रैफिक रोककर ट्रैफिक विभाग ने दमकलों की सहायता से 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं होने पाई। ब्लास्ट से पहले ही जैसे आग लगी भोजनालय का स्टाफ बाहर निकल आया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि भोजनालय में सुबह 10:30 बजे के करीब खाना बनाया जा रहा था। इस बीच सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई और कुछ ही देर में रसोई में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। भोजनालय मालिक और स्टाफ भागकर बाहर आ गए। धमाके के कारण आग आसपास की 3-4 दुकानों में फैल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फायरमैन ब्रजकिशोर ने बताया कि पुलिस की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंच गए। 2 घरेलू सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जबकि 6 सिलेंडर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ब्रजकिशोर ने बताया कि जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वो घरेलू गैस सिलेंडर था जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। बाहर निकाले गए 6 सिलेंडर भी घरेलू गैस सिलेंडर ही थे। ऐसे में यह तय हो गया कि भोजनालय में रसोई गैस सिलेंडर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। रसद विभाग भी इस मामले में अब जांच में जुट गया है। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आ रही है जिसकी भी जांच की जा रही है। पास के दुकान संचालक भगवान साजनानी ने बताया कि एमआर संस, काकेदी हट्टी, प्रेम प्रकाश भोजनालय, दाना पानी रेस्टोरेंट और जय भोले भोजनालय आग की चपेट में आ गए। आग इतनी नहीं फैलती अगर ब्लास्ट नहीं होता तो। ब्लास्ट की वजह से आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के बारे में सूचना मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने व्यापारियों व आसपास के लोगों से बात कर मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना की जांच के निर्देश भी दिए। देवनानी ने बताया कि स्टेशन रोड पर अधिकतर दुकानें दरगाह कमेटी के अधीन है जो काफी बरसों पुरानी है। इनमें दरगाह कमेटी मरम्मत की इजाजत नहीं देती जिस वजह से इनका रखरखाव नहीं हो पा रहा। बिजली की फिटिंग भी काफी पुरानी हो चुकी है। ऐसे में हादसे का भय बना रहता है। उन्होंने दरगाह नाजिम से बात की। इस मामले में कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। घटना तो सर सुबह को इन्होंने दुकान खोली थी, उसके बाद में सिलेंडर चले, सिलेंडर में कोई लीकेज हो गया था जिस वजह से सिलेंडर फट गया और ये आग लग गई। तो उसमें फिर बाहर गाड़ी भी खड़ी थी, वो भी जल गया, पूरी राख हो गई है और 4-5 दुकानों में आग लग चुकी है। ये एक एमआर संस है, एक काकेदी हड्डी है, एक दाना पानी है, एक प्रेम प्रकाश है और एक जय बोले। मतलब क्या कारण रहा आग लगने का? ये तो सर सिलेंडर फटा है अंदर, अभी कारण कुछ सामने नहीं आया है। इस तरह की आग लगी है क्या है? ये मतलब तो थाने के पास में ही है, रेलवे स्टेशन के सामने ये होटल है खाना बनाने की। तो इसमें अब वो क्या कारण रहा है, शॉर्ट सर्किट रहा है या खाना बनाते टाइम दुकान में आग लग गई थी और जिसमें 2-3 दुकानों को और चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को तुरंत मौके पर बुला लिया गया और आग पे काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कौन सा रेस्टोरेंट है ये, कहाँ पर है? रेस्टोरेंट अभी ये जय बोले के पास में है, अभी देखते हैं। नहीं कारण अभी देख है, लगभग कितनी दुकानों में लगी? लगभग 2-3 दुकानें हैं अभी तो। फायर ब्रिगेड रहती है आग पर, लगभग 20-21 मिनट पहले आदर्शन ये अपने रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने शाम भोजनालय पे आग की सूचना थी। हम गाड़ी लेके निकले तो हमें रास्ते में मालूम पड़ा कि कोई ब्लास्ट भी हुआ है। हमने दूसरी गाड़ी मंगवा ली, यहाँ आके देखा तो 2 सिलेंडर ब्लास्ट है और लगभग 6 निकाल लिए हमने और 6 के 6 घरेलू सिलेंडर, ये एक भी कॉमर्शियल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही दुकान में, पास वाली में, सब में एक ही स्थिति है। ब्लास्ट वाली का ताला खुलवाया जा रहा है, उसके अंदर स्थिति चेक करेंगे। अभी नहीं जनहानि नहीं हुई है, अंदर अभी गए नहीं है, अभी अंदर जाके देखेंगे और क्या स्थिति रहती है। नहीं 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 होना चाहिए था, हादसा हो सकता था बड़ा, क्या पता अभी तो और मालूम पड़ेगा थोड़ी देर बाद में कि क्या स्थिति रही है। ये भैया समय का तो मुझे अंदाजा नहीं, लगभग 20 मिनट हो गए। हाँ बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। जैसे मालूम पड़ा स्टेशन के सामने 3 दुकानों में आग लगी, मैं तत्काल यहाँ पे पहुँचा और यहाँ के तीनों दुकानदारों से और लोगों से जानकारी आई। उस अनुसार ये दुकानें
दरगाह कमेटी की है। इनका कहना है कि बार बार हम लोग जो है इसकी रिपेयर के लिए आग्रह करते हैं, हमको अनुमति नहीं मिलती। और आज तो यहाँ एक खाना बनाने वाली मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद वो सिलेंडर भी, जो खाना बनाने के होटल्स हैं तो सिलेंडर में भी आग लगी, दो सिलेंडर फटे भी। लेकिन सुखद बात एक है, कोई जनहानि नहीं हुई और प्रशासन ने तुरंत पहुँच करके फायर ब्रिगेडों ने यहाँ पे स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। कोई एक आध जगह से धुआं अभी भी हुआ है, और क्या जल्दी इस पर नियंत्रण हो जाएगा। और पूरे प्रकरण की निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को मैं अपनी ओर से इसकी जांच के लिए उनको कहूँगा कि जांच करके सत्य बात सामने आ जाए और ऐसे कदम उठाएं कि भविष्य में इस तरह की आग ना लगे और इस पर उचित कदम हम लोग उठाएंगे।